हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। आज हम पढ़ेंगे सर्कल। तो सर्कल क्या होते हैं? इन अवर एनवायरनमेंट यू फाइंड मेनी थिंग्स दैट आर राउंड, अ व्हील, अ बैंगल, अ कॉइन एक्सेट्रा। तो अपने आसपास जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें राउंड शेप में दिखाई दे जाती हैं, जैसे व्हील्स हो गए, यानी पहिए आपकी कार के हों, स्कूटी के हों, किसी भी चीज के व्हील्स हो गए, बैंगल्स, चूड़ियां जो आप यूज करते हैं, आपके घर में कोई पहनता है, और कॉइन, सिक्के तो सभी ने देखे होंगे, है ना। तो ये किस शेप में होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं। तो वी यूज द राउंड शेप इन मेनी वेज। तो राउंड शेप को हम कई तरह से यूज करते हैं, कई तरीकों से, कई। तो इन द इजियर टू रोल अ हैवी स्टील क्यूब देन अ ड्रैग इट। तो मान लीजिए ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि इजी होता है रोल करना बहुत भारी चीज को। अगर हम उसको ऐसे खींचेंगे, सरकाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा यदि कोई चीज भारी है। तो उसी को अगर हम रोल करते हुए लेके जाएं तो क्या होगा? आसान रहेगा, ठीक है। जैसे हम सिलेंडर ही लेके आते हैं, उसको घुमा घुमा के लाते हैं, तो उसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। उसको अगर खींच के लाएंगे तो कितना हैवी होता है ना, वही। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन, इट हैज वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो जो सर्कल होता है वो एक क्लोज्ड कर्व होता है, पॉलीगन नहीं होता है, और इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको दिया है, क्या करना है आपको? प्लेस अ बैंगल और एनी राउंड शेप और ट्रेस अराउंड टू गेट अ सर्कल शेप। तो आप या तो एक चूड़ी ले लीजिए, बैंगल ले लीजिए, उस पर उसके आसपास लाइन खींचिए, शेप बनाइए सर्कल शेप, ठीक है। तो इफ यू वांट टू मेक अ सर्कल गार्डन, सर्कुलर गार्डन, यदि आप सर्कुलर यानी कि एक गोल गार्डन बनाना चाहते हैं, तो हाउ विल यू प्रोसीड, तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे? तो टेक टू स्टिक एंड अ पीस ऑफ रोप। तो दो स्टिक लीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एक स्टिक ये है और एक स्टिक ये है, और एक रस्सी ले लीजिए, ठीक है। तो ड्राइव वन स्टिक इन टू द ग्राउंड, एक स्टिक को क्या करना है? ग्राउंड में गाड़ देना है, खम्बे को, खम्बे की तरह, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रपोज्ड, ये क्या होगा? सेंटर होगा उस गार्डन का या सर्कल का, ठीक है। फ्रॉम टू लूप्स, वन एट ईच एंड ऑफ द रोप, दो लूप होंगे ये। प्लेस वन लूप अराउंड द, दो लूप यानी कि जो रस्सी है, आपने जो धागा लिया है, उसके दो लूप होंगे, एक को इस रस्सी, इस डंडे से बांध लीजिए, एक को इसके साथ, ठीक है। वन एट ईच एंड ऑफ द रोप, प्लेस वन लूप अराउंड द स्टिक एट द सेंटर, पुट द अदर राउंड द अदर स्टिक, कीप द स्टिक वर्टिकल टू द ग्राउंड, कीप द रोप टॉट ऑल द टाइम एंड ट्रेस द पाथ, यू गेट अ सर्कल। तो आप इसको जब इस तरह से घुमाएंगे ना, आप इसको पकड़ के चलेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो नेचुरली एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको ये जो सेंटर होगा, वहां से पूरे सर्कल की जो दूरी है वो समान रहेगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, अब हम सर्कल के कुछ पार्ट होते हैं उनको भी समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं सर्कल के पार्ट? तो हियर अ सर्कल विथ सेंटर, तो यहाँ एक सर्कल है सेंटर के साथ, ठीक है। यू विल सी दैट, ये फिगर दिया है ना आपको 4.24, तो ए पी बी एम, तो यहाँ ए पी बी और एम ये क्या है? आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यू विल सी दैट सी ए इक्वल टू, तो ये जो कुछ पॉइंट है ना सर्कल के, तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे सी ए है, सी ए है और सी पी है और सी बी है और सी एम है, ये क्या है? सब एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है, उतनी ही दूरी इसकी है, उतनी ही दूरी इसकी है। तो ईच ऑफ द सेगमेंट, तो ये सब क्या है? सेगमेंट है। सेंटर से सर्कल के एंड तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाते हैं? उसके सेगमेंट कहलाते हैं। तो ईच ऑफ द सेगमेंट सी ए सी पी सी वी सी एम सी पी सी बी ए सी वी सी एम,
इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो लाइन है ये क्या है, रेडियस है इस सर्कल की, ठीक है। द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करती है सर्कल तक का। तो CP एंड CM आर रेडी, प्लूरल ऑफ रेडियस। तो CP और CM ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, रेडी बोलेंगे, रेडी, प्लूरल ऑफ रेडियस, सच दैट CPM आर इन लाइन। तो CPM क्या है, एक लाइन में है, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये CPM एक लाइन में है। तो PM इज नॉन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो P है और M है, इस लाइन को क्या कहेंगे, डायामीटर ऑफ अ सर्कल। तो इज अ डायामीटर डबल द साइज ऑफ अ रेडियस, यस। तो डायामीटर क्या होता है, जो सर्कल होता है, रेडियस होती है, उसका क्या होता है, डबल होता है, हाँ, क्योंकि आधा ये है आधा ये है। तो PV इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब PV थोड़ा इसको बहुत ही, हाँ, PV, ये PV क्या है, एक पॉइंट है, P और B, एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक खींची। तो ये क्या है, ये कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है, ये सर्कल के दो पॉइंट को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। PM इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो जो PM है वो भी क्या है, एक कॉर्ड है, क्योंकि ये भी सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। तो एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। तो आर्क जो है वो क्या होता है, सर्कल का पोर्शन होता है। इफ पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स यू गेट द आर्क पी क्यू। तो पी और क्यू, आप ये देख पा रहे पिक्चर में अलग से दिखाया, पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट है सर्कल पर। तो ये क्या है, सर्कल के आर्क है, आर्क है, ठीक है। तो वी राइट एज पी क्यू। तो आर्क को हम इस तरह से लिखते हैं जैसा कि इस पिक्चर में लिखा हुआ है, आर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडी ऑन द अदर टू साइड इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो अब यहाँ आपको सेक्टर दिखा रहे हैं। सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस के बीच की जो जगह होती है ये वाली, ये कहलाती है सेक्टर। अ रीजन, एक जगह, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है हम जानते हैं, और जो स्थान एक कॉर्ड के द्वारा घेरा जाता है, ठीक है, शेड किया हुआ है ना, इस कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये इसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज अ थ्रेड एंड रैप इट अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज द डिस्टेंस कवर्ड टू ट्रेवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। व्हाट डज दिस लेंथ डिनोट। अब आपको करके देखना है कि ये कितनी लेंथ आएगी, ठीक है। दिस डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज इट सर्कमफेरेंस। तो आप एक धागा लीजिए इस तरह से और इसको मापिए, सर्कल को जो आपने बनाया है उसको माप लीजिए या इसी को माप लीजिए। तो ये जो दूरी होगी ना, धागा जितना मीटर का, सेंटीमीटर का आएगा, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सर्कल की सर्कमफेरेंस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब कह रहे हैं डू दिस। तो क्या करना है आपको, टेक अ सर्कुलर शीट, फोल्ड इट इनटू टू हाफ। एक सर्कुलर शीट लो और उसको दो हाफ में, ये एक सर्कुलर शीट ली थी इन्होंने, इसको दो क्या कहते मोड़ दिया, मोड़ के ऐसे दो हाफ बन गए इसके, ठीक है। तो क्रीज द फोल्ड एंड ओपन अप, इसको क्रीज करो, मोड़ो ऐसे करके, क्रीज करके उसको खोलो, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द सर्कुलर रीजन इज हाफ बाय द डायामीटर। तो ये डायामीटर का
आधा है। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जो डायमीटर होता है सेंटर से, वो क्या करता है, एक सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। विद द एंड ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री, डायमीटर बाउंड्री तक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज है 4.6। तो अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, अभी इसमें इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।